नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका प्रीति के किचन में। आज हम बनाएंगे वेजिटेबल इडली। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और मुलायम टेस्टी बनकर तैयार होगी। आज आपको एक ऐसा ट्रिक बताएंगे जिस ट्रिक को आप फॉलो करके बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और सॉफ्ट इडली बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए देर किस बात की, इस मज़ेदार सी रेसिपी को जल्दी से शुरू कर लेते हैं। आप कोई भी चावल लीजिए और उसे 4 से 5 घंटे के लिए भिगो के रख दीजिए। और मैंने इस कटोरी से 3 कटोरी चावल लिए हैं और इसी कटोरी से 1 कटोरी उड़द दाल लेंगे। दोनों चीज़ को मैंने भीगने के लिए रख दिए थे, अब अच्छे से भीग गए हैं। तो इसे 2 से 3 पानी अच्छे से धोकर साफ़ कर लेंगे। इसके बाद इसे मिक्सर जार में डालकर हमें इसका पेस्ट तैयार कर लेना है। इस तरह से हमें हल्का दरदारा इसका पेस्ट तैयार करना है, ज़्यादा बारीक नहीं करेंगे। मैंने उड़द दाल और चावल को पीस कर तैयार कर लिए। इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये थोड़ा गाढ़ा लग रहा है तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेंगे। इसके बाद इसे मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसे 7 से 8 घंटे के लिए रेस्ट पे रखेंगे। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप इसमें इनो या बेकिंग सोडा डालकर आप तुरंत बनाकर तैयार कर सकते हैं। मैंने 7 से 8 घंटे इसे रख लिए हैं। आप देख सकते हैं अच्छे से फूल गए हैं। इसे एक बार मिक्स कर लेंगे। मैंने कुछ सब्जियां लिए हैं जिसे बारीक कट कर लिए हैं। एक गाजर है, 2 से 3 हरी मिर्च है और थोड़ा सा बीन्स है और 2 प्याज है। इसको बारीक कट कर लेना है। जो आपके पास सब्जी है उसे ही लीजिएगा और जो नहीं है इसे आप स्किप भी कर सकते हैं। इसे बैटर में डाल लेंगे। बैटर में डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें फ्रोजन मटर डाल लेंगे। तो मैंने 1/2 कटोरी फ्रोजन मटर लिए हैं। अगर आपके पास फ्रेश मटर है उसे भी ले सकते हैं, नहीं है तो इसके बिना भी आप बना सकते हैं। मैंने थोड़ा सा इमली को भिगो कर रख दिए थे और इसका सारा पानी निचोड़ कर निकाल लिए। इमली के पानी डालने से ये बेकिंग सोडा और इनो का काम करता है और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी और सॉफ्ट मुलायम इडली बनकर तैयार होता है। अगर आपके बैटर अच्छे से फूले नहीं रहेंगे, अगर आप इमली का पानी डाल देंगे तो आपका इडली सॉफ्ट और मुलायम बनकर तैयार होंगे। मैंने इडली प्लेट लिए हैं, इसमें थोड़ा सा तेल ग्रीस कर लिए हैं और इसके बाद डाल लेंगे। और कढ़ाई को मैंने गैस पर रख ली है, इसमें थोड़ा सा पानी रखेंगे डालेंगे और इडली प्लेट रख लेंगे। गैस का फ्लेम हाई रखेंगे और 3 से 4 मिनट के लिए हम इसे कवर कर लेंगे। तीन से चार मिनट के बाद इसे चेक कर लेंगे। आप इसे फिंगर से भी टच करके देख सकते हैं, लेकिन अगर आपको इस तरह से नहीं समझ जाएगा तो एक नाइफ्स की सहायता से इसे चेक कर लीजिएगा। इस तरह से अगर आपका नाइफ्स क्लीन है तो यानी कि आपका जो इडली है अच्छे से पक चुके हैं। अब इसे एक चम्मच की सहायता से निकाल लेंगे और आप देख सकते हैं कितने आसानी से निकल गई है। तो फ्रेंड्स, एक बार मेरे तरीके से आप बना कर देखिएगा, आपको बेहद पसंद आएगी क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और मुलायम बनकर तैयार होती है। तो मैंने एक इडली को तोड़कर आपको दिखा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट बनी है। तो इसे अपनी पसंद सांभर और सब्जी के साथ आप गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं। तो आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट लाइक करके ज़रूर बताइएगा।